कोरोना वायरस से जंग में देश को मिली पहली देसी दवा, जी हां, आज D2G लॉन्च कर दी गई और इसकी जानकारी और इसकी खबर 1 जनवरी 2021 को आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने इंडिया न्यूज मंच, रक्षा और राष्ट्र में DRDO के सर्वे सर्वा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने हमारे कार्यक्रम स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह को इस बात की जानकारी दी थी कि देश की पहली देसी दवा बहुत जल्द आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। कोरोना के बीच एक और बड़ा संकट देशवासियों पर गहराने लगा है। कोरोना की थर्ड वेव से पहले जान का एक और बड़ा दुश्मन सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों से एक रहस्यमय संक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं। ये जायंट किलर है म्यूकोमाइकोसिस, यानी ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के देश में 500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इनमें 52 लोगों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हो चुकी है। आंख, नाक, जबड़े पर अटैक करने वाले इस किलर अब देश में बड़ा खतरा माने जाने लगा है। स्टेरॉइड एंटीबायोटिक दवाओं से ज्यादा इस्तेमाल होने से ICU में रहने वाले मरीजों में म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की शिकायत देखने को मिल रही है। म्यूकोमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जिसके चलते आंखों के नीचे स्टेरॉइड की एक परत जम जाती है। अगर इसका सही समय पर इलाज ना हुआ तो मरीज की जान को खतरा बना रहता है। देश के करीब 12 राज्यों में यह अब तक पांव पसार चुका है। जो हम कहते हैं कैम, कोविड एसोसिएटेड म्यूकोमाइकोसिस। म्यूकोमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। ये जो बीमारी है वो या तो फेस को अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस, जिसके कारण नाक में आंख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे लोगों की विजन भी जा सकती है, आंख की रोशनी जा सकती है और कुछ हद तक कभी ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। जब हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं उसके कारण दो और हैं। एक कारण ये है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की तकलीफ है, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कारण है मिसयूज ऑफ स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। ज्यादा स्टीरॉइड भी ब्लैक फंगस की वजह हो सकता है, बता रहे थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आप निदेशक हैं एम्स के। अब ब्लैक फंगस के अटैक के दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आई है। कोरोना संक्रमण के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों को ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने जकड़ना शुरू कर दिया है। यूपी के बिजनौर में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। बिजनौर में ब्लैक फंगस के 10 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस के अटैक के लोग डरे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की है। यहां ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। एम्स में 17 मरीज ब्लैक फंगस में भर्ती हैं, जबकि एक मरीज की मौत ब्लैक फंगस से हो चुकी है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर भी आई। DRDO की ओर से डेवलप की गई देसी दवाई 2DG को आज आखिरकार लॉन्च कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह दवा आज लॉन्च की। देश में बनी कोरोना की दो वैक्सीन के बाद बनी ये दवा भी अब इस वायरस से जंग में काम आएगी। पाउडर में शक्ल में आने वाली ये दवा को पानी में घोलकर पिया जाएगा। इस दवाई को खासियत ये है कि इस ऑक्सीजन लेवल को गिरने से बचाती है, जिससे कोरोना मरीज को काफी राहत मिल सकती है। हालांकि बिना डॉक्टर की सलाह ये दवाई लेना ठीक नहीं। अभी मैं बताया था ना, आज हर एक आदमी को 10 से 14 डोसेस तक आना चाहते एक आदमी को। अभी कम से कम
लग रहा है जो टोटल प्रोडक्शन ये वीक में अभी 10,000 के आसपास होंगे। और ये मैं जो बताया था पहले, आज एम्स को दे रहा है और AFMS को दे रहा है और DRDO हॉस्पिटल्स में भी दे रहा है। उसके बाद हम जो लिस्ट है उसके बाद देख के जितना इधर कंज्यूम हो रहा है उसको कितना बचा है वो देख के देते रहेंगे, बाकी राज्य में नेक्स्ट फेज में देंगे। अभी भी अभी थोड़ा दिल्ली है, बाजू में दे देंगे जहाँ जहाँ जरूर है। और हमारा हॉस्पिटल्स DRDO हॉस्पिटल्स है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, अहमदाबाद में है, सभी जगह में है। और आर्म्ड फोर्सेस का हॉस्पिटल्स भी सभी जगह है, सभी जगह दे रहा है, लेकिन सभी हॉस्पिटल्स में अभी देने का उतना क्वांटिटी नहीं है। वो पूरा उसके लिए फर्स्ट वीक ऑफ जून से सब राष्ट्रों में मिलेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जून से पूरा फुल क्वांटिटी में मिलेगा। जी, आप सुन रहे थे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। आप DRDO के सर्वे सर्वा यानी कि प्रमुख है और इन्हीं की देखरेख में 2DG ये दवा जो बनी है, जो कि घोल के रूप में है, इसे अमृत घोल के रूप में माना जा रहा है कि कोरोना वायरस से जूझ रहे मरीजों के लिए ये काफी कारगर और हो सकता है कि इसके साथ साथ ये ठीक करने में सबसे बड़ी भूमिका भी निभाएगी और कोरोना को पछाड़ने में भी। इसी पर चर्चा करने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देश के जाने माने लोगों का पैनल है जो कि विशेषज्ञ है। वो बताएंगे कि आखिर इस दवा के क्या क्या गुण है, कितनी गुणकारी है। आइए आपसे मैं उनका तारुफ कराऊं आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हाँ, हमारे साथ मेहमान के रूप में डॉक्टर VN झा। जी हाँ, आप पूर्व निदेशक सह निदेशक रहे हैं DRDO के, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर शरद सिंघी। जी हाँ, डॉक्टर शरद सिंघी आप ENT सर्जन हैं। और हमारे साथ डॉक्टर बिपिन पुरी जो कि वाइस चांसलर KGMU यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ साथ डॉक्टर पवन ओझा आप सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आप सभी डॉक्टरों का देश के सवाल में स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ आज कोरोना एक जो सवाल बना हुआ है, मुझे लगता है कि आज उसको देसी जवाब भी मिल चुका है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा डॉक्टर VN झा का। डॉक्टर झा, आप DRDO में रह चुके हैं, आप ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर थे। डॉक्टर झा, ये जो दवा आई है, ये जो अमृत घोल है, जी हाँ, जो सैशे के रूप में मिलेगा, हम चाहेंगे कि आप इसकी गुणकारी बातें बताएं और समझाएं कि आखिर इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाना चाहिए। किससे पूछा आपने, आपकी आवाज कट रही थी। डॉक्टर झा, आपसे मैंने ये सवाल किया है। जी हाँ, मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? बेहतर तरीके से आ रही है, आपका जवाब डॉक्टर झा। ठीक है, देखिए ये जो दवाई अभी आई हुई है, ये इसको आप चाहे रामबाण कहें, चाहे इसको किसी भी तरह से नाम दें, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कोरोना के मैनेजमेंट में इसके दो प्रमुख गुण हैं। सबसे पहला जो गुण है, ये वायरस का रेप्लिकेशन, जो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको काटता है। और दूसरा कि सेलुलर लेवल पे हमारे बदन में जो टिश्यूज हैं, उसके जो सेल्स हैं, सेलुलर लेवल पे जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसमें ये काफी लाभदायक होगा। अभी जितना हमने पैनिक देखा हुआ दिल्ली में और पूरे देश में कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। मनीष जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं नेशनल हेल्थ प्लान पर कोविड कंसल्टेंट हूं टेलीमेडिसिन पे, और दिल्ली और बिहार मेरा एरिया है जिसमें कि मैं कंसल्ट करता हूं। जितने भी घर में लोग रह रहे थे, चाहे वो माइल्ड केसेस थे चाहे मॉडरेट केसेस थे, हम दोनों को देख रहे थे, और सबों में यही पैनिक था कि हमारा ऑक्सीजन नीचे गिर रहा है। तो ऐसे केसेस में ये जो 2DG दवाई है, ये ऑक्सीजन को जो डिमांड है उसको कम करेगा। मैं बड़े ब्रीफ में बता देता हूं आपको कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में 100 से 103 मिलीमीटर मर्करी का पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। लेकिन जब वही सेल में हम बात करते हैं, जहां पे के एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है सेल लेवल पे, वहां पे 1 से लेके 9 मिलीमीटर मर्करी का जो पार्शियल प्रेशर है वो एडिक्वेट होता है अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। तो ये जो वायरस है उस सेलुलर लेवल पे वो 9 को भी नीचे कर देता है, 5 को भी नीचे कर देता है, और 1 तो कोई काम का ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो वायरस है सेलुलर लेवल पे जाके बहुत एक्यूट हाइपोक्सिया करता है,
जिसके चलते कि मल्टी जी जी डॉक्टर झा इस तमाम जानकारी और ऐसी जानकारी जिसको कि दर्शक जानना सुनना समझना चाहते हैं आपने दी, और सबसे पहले आपको बधाई कि आप जिस संगठन में आपने मां भारती की सेवा की उस संगठन ने आज पहली देसी दवा भारत को दी है। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। डॉक्टर माहेश्वरी, पहली एंटी कोविड ड्रग आ गई, एंटी कोविड ड्रग जिसको कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एज अ डॉक्टर हमें बहुत खुशी होती है और गर्व भी साथ के साथ होता है कि हमारे भारत के ही साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं जो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह से हमारे पास और ज्यादा हथियार हाथ में हो जिससे कि हमारी लड़ाई और सशक्त हो सके और हम अपने मरीजों की जान को बचा सके, क्योंकि उद्देश्य इस वक्त यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने मरीजों की जानों को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो ठीक होकर के घर जाएं, और खास तौर से जो लोगों के मन में एक पैनिक आया, एक डर आया है इस बीमारी को लेकर कि इसमें ऑक्सीजन के लेवल्स फॉल होंगे और उसके बाद हमें अस्पताल जाना पड़ेगा और वहां पर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम ठीक हो जाएंगे, इस तरह के लोगों के मन में जो भ्रम आ रहे हैं, डर आ रहे हैं, इनको दूर करने के लिए इस तरह की अगर दवाइयां हमारे पास आती हैं तो वो भी मानसिक तौर पर भी हम लोगों को एक बहुत बड़ी राहत देती है कि ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए कभी हमारे पास दवाइयां नहीं होंगी या हमारे पास जीतने के कोई हथियार नहीं है। तो लोगों के मन में भी एक उत्साहित होता है, उनका मन भी, उनको भी खुशी मिलती है और हम एज डॉक्टर्स भी बहुत खुशी महसूस करते हैं कि आज हमारे पास एक और दवा आ गई जिससे कि हम अपने मरीजों को ठीक कर सकते हैं। और खास तौर से जिस तरह से इस दवा के साथ देखा जा रहा है कि जिन लोगों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी हो रही है, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उन लोगों को ऑक्सीजन की जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर रही है ये दवा इसको देने से। और देने का तरीका भी बहुत आसान है कि इसे पाउडर के फॉर्म में दे सकते हैं, तो कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई और ऐसे तामझाम इस दवा के साथ नहीं है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर माहेश्वरी, इसको आसानी से दिया जा सके। डॉक्टर स्वाति, देने का तरीका बहुत आसान है लेकिन लेने का तरीका ये डॉक्टर तय करेगा, पेशेंट नहीं। जी हाँ, इसका खासा ध्यान रखना होगा। हमारे साथ डॉक्टर विपिन पुरी। डॉक्टर विपिन पुरी, आप KGMU से हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। COVID-19 में कई रहस्यमय लक्षण सामने आ रहे हैं डॉक्टर साहब, और उसमें सबसे चौंकाने वाला लक्षण है ब्लैक फंगस। हम ये चाहेंगे कि आपको देख रहे सुन रहे लाखों करोड़ों दर्शक इस कार्यक्रम को ये समझने की कोशिश करें कि आखिर ब्लैक फंगस है क्या और ब्लैक फंगस को लेकर कैसे बचाव किया जाना चाहिए। डॉक्टर पुरी नमस्कार। ये जैसा कि आपने मालूम, हाल में ये ब्लैक फंगस प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्पेशली हमारा जैसा मालूम है आज कोविड हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी है, जहाँ हम 983 कोविड जा रहे हैं। इस समय आज की तारीख में हमारे पास ब्लैक फंगस आए हैं, उनको माइक्रोसिस कहते हैं। एंड जैसा कि आपके प्रोग्राम में शुरू में एक्सप्लेन करा गया, क्यों आ रहे हैं, क्यों एक प्रॉब्लम सामने आई है, उसका बताया गया है कि बिकॉज steroids, indiscriminate use of steroids, uncontrolled diabetes, immunocompromised state, and plus oxygen, humidified oxygen, oxygen जैसे जब जाती है नॉस्ट्रल से, फंगस जो शुरू होता है फिर भी इन्फेक्शन से ब्रेन के अंदर ऑर्बिट्स के पास बताया गया था राइनो सेलो ऑक्यूलर एंड ये इट इज जैसे कहते हैं एंगियोइन्वेजन। एंड ये अगर माइकोसिस मोबिलिटी बहुत है एंड आई से इसकी फैटलिटी बहुत है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसको पहचानना
जल्दी से पहचानना, जल्दी से उसको इसका डायग्नोसिस करना और इसका इलाज करना। जी डॉक्टर पुरी, मैं आपके पास आऊंगा कुछ और सवालों के साथ। हमारे साथ डॉक्टर शरद सांगी। डॉक्टर सांगी, मेरा सवाल आपसे है, ब्लैक फंगस को लेकर सीधा ये कहा जा रहा है कि आंखों की रोशनी चली जाती है और ये आंखों के जरिए ऊपर के ऑर्गन, हो सकता है आंख, कान, यहां पर अटैक करती है। तो हम ये चाहेंगे कि आप बताएं कि अपनी आंखों को बचाने के लिए ब्लैक फंगस से कैसे बचना चाहिए और उसका इलाज क्या है। देखिए, जो भी पेशेंट्स को कोविड हो गया है और उनको डायबिटीज है, उनको खास बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात जो मिस हो जाता है वो ये है कि जैसे खास करके जिनको स्टेरॉइड्स दिया है उनको मॉनिटर करना चाहिए। अर्ली, बहुत ज्यादा अर्ली स्टेरॉइड्स भी ठीक नहीं है, हाई डोज स्टेरॉइड्स भी ठीक नहीं है बहुत ज्यादा, जितना चाहिए उतना ही प्रॉपर डॉक्टर के केयर में। और एक और ग्रुप जो मिस हो जाता वो है बॉर्डर लाइन डायबिटीज का, कि जैसे कि शुगर तो था नहीं, बॉर्डर लाइन था, पर स्टेरॉइड दिया पता ही नहीं है और शुगर एकदम से बढ़ गया। तो इन दोनों ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि शुगर कंट्रोल में रहे। ये नॉर्मली जो ब्लैक फंगस उन्हीं में होती है जिनको या तो डायबिटीज है या कोई पहले से कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, जैसे HIV है या फिर कोई कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको इम्यूनिटी डिक्रीज करने के लिए कुछ दवाई दी जा रही है, तो इनको एक तो पहले ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, कभी भी इनको जैसे ठीक हो जाए तो ठीक होने के बाद में कोई गार्डनिंग करना या बाहर का कोई खेती बाड़ी का काम करना, ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कुछ दिनों के लिए। और इंडोर्स ही रहना चाहिए। और जैसे ही कोई सिम्टम आए, जैसे कि मतलब नाक से अगर जैसे काला काला सा कोई डिस्चार्ज या ब्लीडिंग होने लगा या फेस में पेन होने लगा दोबारा से ठीक होने के बाद, और कई इसके लक्षण हैं जैसे आईज में पेन होना, हेडेक होना, इस तरह के, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स को देखना है, मतलब बात करना है, और शुगर को बहुत ध्यान पे रखना है। उसके बाद तो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि क्या है कि नहीं, क्योंकि बहुत हमारे को भी बहुत सारे क्वेरीज आते हैं लेकिन उसमें 90% ब्लैक फंगस नहीं होते, सिंपल कुछ और चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। तो आजकल पैनिक बहुत ज्यादा है इसको लेके, लेकिन फिर भी अगर हमें एजुकेटेड रहे तो अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी डॉक्टर सांगी, डॉक्टर सांगी, मधुमेह को लेकर आपको सतर्क रहना है। जी हाँ, सारी दुनिया में भारत मधुमेह की राजधानी है, सबसे ज्यादा अगर डायबिटीज के मरीज हैं तो ये कहा जाता है वो भारत है। जी हमारे साथ डॉक्टर पवन ओझा। डॉक्टर पवन ओझा, इस समय स्टीरॉयड और फंगस का क्या रिश्ता है? आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जिस तरह से बात की जा रही है कि रहस्यमय लक्षण के साथ वायरस बिहेव कर रहा है, तो डॉक्टर ओझा हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आखिर न्यूरोलॉजी से इसका संबंध और उससे कैसे बचाव किया जाए। जैसे अभी आगे के सारे स्पीकर्स ने हमें बताया कि म्यूकर माइकोसिस जो है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है या तो कोविड के वजह से या फिर उसमें जो दवाइयां प्रयोग की गई है जैसे है स्टेरॉइड या टोसिलुज़ुमैब, इस टाइप की दवाइयां जो कम कर रहे हैं इन पर्टिकुलर सेट ऑफ पेशेंट, ये सबको होने की संभावना बहुत ही कम है। कुछ पेशेंट जैसे हमें बताया गया कि या तो वो एजेड पेशेंट है या उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है या अनअवेयर है, तो इन सेट ऑफ पेशेंट्स में ये होने की चांस ज्यादा है। इसका जो रिलेशन है वो नॉर्मली ये नाक के रास्ते से ये म्यूकर के जो स्पोर्स रहते हैं वो हमारे शरीर में घुसते हैं और वहीं लोकली ये जर्मिनेट करके और ये फंगस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कन्वर्ट होना मतलब इन्वेजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये बड़ी तेजी से फैलता है। तो घुसेगा नाक से, उसके बाद में ऊपर की तरफ में जाएगा आंख की तरफ या पीछे जाएगा ब्रेन की तरफ। तो राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल, सेरिब्रल मतलब कि ब्रेन, और ब्रेन और ब्रेन की कवरिंग जो मेनिंजेस है उसमें काफी सारी नर्व्स है जो हेड एरिया, फेस एरिया, आई एरिया को सप्लाई करती हैं। तो इन नर्व्स को अगर वो इन्फिल्ट्रेट करता है या इन इलेक्ट्रिक वायर के अलावा जो खून सप्लाई करने वाली नसें हैं जो फेस को या ब्रेन को सप्लाई करती है,
इनको अगर पकड़ लेता है तो एनजीओ इन्वेजन भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से ये पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, एक तो ये क्रेनियल नर्व जैसे कि यहाँ पर सुन हो गया या यहाँ दुखने लगा या आंखों की मूवमेंट बंद हो गई या दिखना बंद हो गया, ये जो है वो क्रेनियल नर्व का है जी। डॉक्टर ओझा, जो इन्वेजन डॉक्टर पवन ओझा, डॉक्टर पवन ओझा, ब्लैक फंगस पवन की तरह तेजी से फैलता है जी हाँ, और इसके साथ साथ इसके और क्या लक्षण है और क्या 2DG इसके खिलाफ भी कारगर होगी, इस पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। देश के सवाल की चर्चा की ओर आगे बढ़े उससे पहले आ रही है बड़ी खबर, बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल से नारदा केस में टीएमसी नेताओं को मिली जमानत, विशेष सीबीआई कोर्ट ने दी है जमानत। ममता सरकार के 2 मंत्री, 1 विधायक को मिली जमानत, फैसले के खिलाफ कल हाईकोर्ट जाएगी सीबीआई। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से ममता सरकार के 2 मंत्री, 1 विधायक को मिली जमानत, सीबीआई अदालत ने दी जमानत। नारदा केस में टीएमसी नेताओं को मिली है जमानत, इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार इसको लेकर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ टीएमसी समर्थक आज सीबीआई दफ्तर के बाहर धरना देते रहे, हालात और गहमा गहमी बनी रही। इस बीच सीबीआई अदालत ने ममता सरकार के 2 मंत्री समेत 1 विधायक को दी है जमानत, इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीआई कल जाएगी हाईकोर्ट। जी हाँ, इस बड़ी खबर के बाद लौटते हैं अपनी चर्चा पर, जिसके लिए हमारे साथ देश के जाने माने विशेषज्ञ मौजूद हैं। जी हाँ, चर्चा चल रही है ब्लैक फंगस को लेकर। ब्लैक फंगस एक ऐसा लक्षण है जिससे आपकी रोशनी चली जाती है, और अब जो मामले सामने आए हैं, जैसा कि आपके अपने डॉक्टरों ने, जो कि इंडिया न्यूज के इस देश के सवाल के कार्यक्रम है उसमें उन्होंने कहा है कि जान तक चली जाती है। आपके टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर बिपिन पुरी, KGMU के आप वाइस चांसलर हैं डॉक्टर पुरी, डॉक्टर वीएन झा, जी हाँ DRDO के आप संयुक्त निदेशक रह चुके हैं, हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर शरद सिंघी और डॉक्टर पवन ओझा हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर झा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर वीएन झा, ब्लैक फंगस जानलेवा साबित हो रहा है और इसके साथ साथ कई रहस्यमय लक्षण, क्या ये जो 2DGI है क्या ये इसके लिए भी कारगर होगी, क्या ये इस ब्लैक फंगस का भी इलाज है डॉक्टर झा? हाँ मनीष जी, ये एक ऐसा सवाल है जिसको के उत्तर देते हुए मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, क्योंकि 2DG का हमने एक हवा नहीं बनाना चाहिए। देखिए 2DG जो है वो एक ऐसा दवाई है जो कि वायरस के रेप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन को कम करता है और ऑक्सीजन का डिमांड को कम करता है। अब जहां तक म्यूकर इन्फेक्शन का सवाल है, और एनी और भी कोई फंगस इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इसका वहां पे असर बहुत कम होने वाला है। देखिए कोरोना में जो मौत होती है मोस्टली के, जैसे लंग्स में कंसोलिडेशन हो जाता है, लंग्स के जो एरियोला हैं जहाँ पे कि जो खून को ऑक्सीजन मिलती है, सांस लिए हुए ऑक्सीजन वहाँ पे कंसोलिडेट हो जाता है, वहाँ पे फिट हो जाता है, तो ये सब जो बेसिक पैथोलॉजी है लंग्स के वो रहेंगे। उसको करेक्ट करने के लिए जो आम दवाइयाँ हैं, जो सीरीज ऑफ मेडिसिन है वो कंटिन्यू करते रहना होगा, उसी का प्रयोग होगा। 2DG का जो इफेक्ट है एसेंशियली ये 2 केसेस में है, इनिशियल 7 दिन में वायरस के मल्टीप्लिकेशन को कम करने के लिए जी, और उसके बाद जब ऑक्सीजन का शॉर्टेज होगा जी, उसको कम जी, करने के लिए। एक चीज मुझे 10 सेकंड और दे दीजिएगा जी, जी, जी। तो ये अभी जो शुरू हो रहा है प्रयोग, ये थर्ड फेज है इस ड्रग का। इस थर्ड फेज में जितने हमें इनपुट्स मिलेंगे उसके ऊपर में बाद का जो जजमेंट है वो निर्भर करेगा। ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में ये एडेड आपको इंफॉर्मेशन देगी, हमें इसके लिए इंतजार करना होगा जी। जी डॉक्टर झा, इंतजार करना होगा, लेकिन जी हाँ, शुरुआती लक्षण में ये दवा
सबसे कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि देश के अलग अलग प्रदेशों में इस पर ट्रायल हुआ था। जी हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। डॉक्टर माहेश्वरी, आखिर ब्लैक फंगस का फिर इलाज क्या है? देखिए, इलाज तो है हमारे पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास ब्लैक फंगस का इलाज नहीं है। हमारे पास एंटी फंगल ड्रग्स हैं, इंजेक्शंस हैं एम्फोटेरिसिन के, जो इस्तेमाल किए जाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। और अगर वहाँ उससे फ़ायदा नहीं होता तो फिर हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कभी जॉ निकालना पड़ता है, आँखें निकालनी पड़ती है। ये इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि हमें व्यक्ति की जान बचानी है। इस वजह से हमें इस फंगस का जो उस वक्त जो वो बढ़ रहा होता है, जहाँ जहाँ उसका फैलाव हो गया होता है, वहाँ वहाँ से उस फंगस को निकालना पड़ता है, ताकि वो और आगे जो बाकी हमारे टिश्यूज हैं उनमें ना फैले, क्योंकि ये बहुत तेजी से जो है फैल जाता है। तो ये हमारे पास इलाज है, बस बात ये है कि अगर समय से ये इलाज शुरू हो जाए तब हम लोग जो है उनकी आंखें भी बचा सकते हैं, उनका जीवन भी बचा सकते हैं, और आने वाली जो तकलीफें हैं उनसे भी बचा सकते हैं। दिक्कत यह होती है कि लोग तब आते हैं इलाज कराने के लिए जब वो बहुत ज्यादा फैल चुका होता है, और जब हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं रहती है, तो ये एक दिक्कत है। इसलिए समय से अगर हम इसे पहचान लें, जो लक्षण इसके हैं वो अगर हमें पता हो, और खास तौर से ऐसे लोग जिनकी की डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, जिनका कोरोना का भी इलाज चल रहा है, और दो सेटिंग्स में खास तौर से मनीष जी हम इसे देख रहे हैं। एक सेटिंग वो है जब लोग ऑक्सीजन थेरेपी पर है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर से जो जुड़ी हुई छोटी सी एक शीशी होती है जिसमें पानी भरा होता है, वहां से भी हम ये इन्फेक्शन आते हुए देख रहे हैं। तो उसको डिस्टिल वाटर होना और समय समय पर वो चेंज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो रिकवर हो रहे हैं मरीज, जो ये सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए, बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, और उसके बाद वो ध्यान नहीं देते कि उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनको वहां पर ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये दो सेटिंग्स जो है बहुत जरूरी है समझना, और ये अगर हम जान पाए तो हम जल्दी सचेत हो जाएंगे। जी डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर विपिन पुरी, डॉक्टर पुरी, ये कैंसर की तरह होता है, जो मैं डिराइव कर पाया डॉक्टर माहेश्वरी के जवाब से, कैंसर की तरह होता है लेकिन बहुत जल्दी फैलता है। डॉक्टर पुरी। जी, जैसा कि बाकी स्पीकर कहते हैं, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन ऐसी है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, स्टेरॉइड्स हाई डोजेस में, तो इन सिचुएशन में ये जो इंफेक्शन है वो जल्दी फैलती है, और कनेक्शन ब्रेन तक जाता है, और ऑर्बिट जो हमारी यहाँ पर हमारी आंखें जाता है, तो वो इंफेक्शन बहुत जल्दी साइनसिस के थ्रू यहाँ पर पहुंच सकता है। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि कैंसर की तरह ग्रो करता है, यस इट ग्रोज, बिकॉज ये जो इन्फेक्शन जो सिचुएशन है, जो बैकड्रॉप है, जो मरीज की जो कंडीशन है वो देखिए, एंड जो इलाज चल रहा है, ये सब सब जो रीजंस हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन्फेक्शन को रैपिडली स्प्रेड करने के लिए। जी जी डॉक्टर पुरी। डॉक्टर सांघी, डॉक्टर सांघी, न केवल आंख, एक ये खतरा भी बना हुआ है कि हो सकता है ये आपके कानों को भी इफेक्ट करता है। डॉक्टर सांघी। नहीं, कानों को तो ऐसे डायरेक्टली नहीं करता है, ये नोज में, आईज में और ब्रेन में जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि नोज से नोज के पीछे की तरफ चला जाए, नेजोफेरिंग्स जिसको बोलते हैं, और वहां से यूस्टेशियन ट्यूब में कुछ इन्वॉल्वमेंट करता है, जिसके वजह से सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ईयर में डायरेक्टली नहीं करता। यहाँ मैं एक दो चीज बहुत स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ कि ये जब हम इसकी हम डायग्नोस करते हैं तो नोज से हम बायोप्सी ले सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं है। और इसमें हम सिर्फ जो डेड एरिया है, वायरस को नहीं निकालते हैं, जो डेड एरिया हो जाता है उस एरिया को हम रिमूव कर देते हैं, और बाकी एरिया के लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। जी डॉक्टर सांघी, ब्लैक फंगस और इसके साथ साथ म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर ये भ्रम बना हुआ है, लोगों के मन में ये सवाल है कि ये दोनों अलग अलग चीजें या दोनों एक है। हम चाहेंगे कि आप जरा इसका खुलासा करें, आप ईएनटी सर्जन है डॉक्टर शरद। नहीं, ब्लैक फंगस इज अनदर टर्म, कॉमन टर्म फॉर म्यूकोरमाइकोसिस, इट्स एब्सोल्युटली द सेम थिंग, कोई अलग अलग चीज नहीं है। जी जी। और प्लस यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे कुछ स्पीकर्स ने कहा है, डॉक्टर विपिन ने भी जैसे कहा है कि वो और
सबने कहा है, डॉक्टर स्वाति ने कि भी जो फिल्टर्स होते हैं उसको क्लियर, ह्यूमिडिफायर्स या फिल्टर जो होते हैं ऑक्सीजन, वो क्लीन होना चाहिए। उसमें कुछ इंडियन डॉक्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया है और उन्होंने ये देखा है कि वो बहुत इफेक्टिव है। एक नीली दवाई होती है जेंशन वायलेट, वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक आध ड्रॉप उसमें डाल देते हैं। एक तो क्लीन तो होना चाहिए, पर अगर वो जेंशन वायलेट डाल दें हम एक ड्रॉप या दो ड्रॉप, तो उससे क्या है कि वो वहीं पे फंगस होगा तो वो मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इट इज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट विच हैज बीन ऑलरेडी डन बाय सो मेनी डॉक्टर्स इन इंडिया। जी डॉक्टर सांगी, आपकी अहम जानकारी, और मुझे लगता है कि जो दर्शक आपके इस जो जानकारी है उसको सुन रहे हैं तो शायद ये उनके लिए काफी कारगर साबित हो। आपके टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर हर्षवर्धन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2DG लॉन्च करते हुए आप तस्वीरें देख रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर पवन ओझा। डॉक्टर ओझा, ये जो रहस्यमय लक्षण सामने आ रहे हैं, ये केवल ऊपरी धड़ में ज्यादा अटैक कर रहे हैं, आंख, दिमाग, इस तरह से आखिर जब ब्लैक फंगस एंटर कर रहा है तो ये दिमाग को लेकर भी अटैक कर रहा है? और जहां तक बात की गई, अभी सारे विशेषज्ञों की राय जो बनी, ये कैंसर की तरह होता है, तो आखिर इससे क्या क्या बचाव हैं कि आप अपने दिमाग को बचा पाए, या क्या ऐसे आप सलाह देना चाहेंगे जिसके जरिए एक आम दर्शक या मरीज ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो खुद का बचाव शुरुआती दौर में कर सके? थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच में, तो कैन यू रिपीट लास्ट के कुछ सेंटेंस? डॉक्टर ओझा, डॉक्टर ओझा, मैंने ये कहा ये ब्लैक फंगस जो है, ब्लैक फंगस जब शरीर पर अटैक कर रहा है तो ये ऊपरी धड़ पर ज्यादा निशाना बना रहा है, जैसे कि आंख, दिमाग, तो आखिर इससे बचाव के अगर लक्षण सामने आते हैं तो लक्षण के बाद सबसे पहला बचाव क्या करना चाहिए किसी भी मरीज को? तो अगर हमें ये समझना है कि इधर के आसपास में कोई स्वेलिंग है, लालपना है या दर्द हो रहा है और नाक में से कुछ डिस्चार्ज है, ये प्राइमरी सिम्टम है। कुछ लोगों को ब्रेन के सिम्टम्स तुरंत ही शुरू हो जाते हैं, जैसे या तो पैरालिसिस हो गया, हेमरेज हो गया, या फिर आंख बंद हो रहा है, हिलना बंद हो गया, ये सब इस टाइप के जो प्राइमरी सिम्टम्स अगर हमें दिखाई देते हैं तो फर्स्ट थिंग इज टू तुरंत जाके हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट करना है। आप बेशक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, एंड डेफिनेटली अगर ENT स्पेशलिस्ट अगर उसका एंडोस्कोपी कर सके तो तुरंत उसका बायोप्सी लेकर के और कंफर्म कर सकते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी इंजेक्शन जो है एंटीफंगस जो शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों को जरूरत है सर्जरी करने की, जैसे वो क्लियर करना है फंगस, वो भी ये फास्ट डिसीजंस ले सकते हैं। तो प्राइमरली एक टीम वर्क है, जैसे कि जिसमें ENT सर्जन, आई स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ये लोग मिलकर के साथ में तुरंत काम करते हैं और तुरंत इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जी जी डॉक्टर ओझा, लेकिन डॉक्टर विपिन पुरी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये शहरी इलाकों की बात तो ठीक है, लेकिन जब कोरोना दूर दराज के गांव में पहुंच चुका है और ये लक्षण जब गांव के लोगों को समझ में नहीं आते और वो जैसे कि घर का वैद्य इलाज करने लगते हैं, तो ऐसी सूरत में गांव के लोगों को इस तरह के सिम्टम या लक्षण से कैसे बचना चाहिए? डॉक्टर पुरी जी, देखिए मैं आपका सारा अच्छे से नहीं पाया, बट ये समझ आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो सिम्टम्स जो बताए गए हैं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, जो नाक में कोई रुकावट है, कोई ब्लीडिंग है, या यहाँ पर नाला डिस्कलरेटेड है, या हेडेक्स हैं, एक तरफ की हेडेक हो या कुछ सूजन आ जाए, कौन सी जो करी गई है, इस तरह के सिम्टम्स हों तो मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए। ENT सर्जन हमारा प्राइमरी पोजिशन है उसको डायग्नोज करने के लिए। KGNU में हमने इन सब ब्लैक फंगस के डायग्नोसिस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमने एक कमिटी बनाई। डॉक्टर पुरी, डॉक्टर शरद सांघी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर पवन ओझा और डॉक्टर VN झा, जी हाँ, आप लोग आज देश के सवाल के इस अहम कार्यक्रम में आए जिसमें कि एक खुशखबरी थी, खुशखबरी ये कि D2G दवा, पहली देसी दवा आ गई। लेकिन आप लोगों की जानकारी सुनकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप दर्शक, जी हाँ, जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे थे, अपनी आँख नाक कान बचा के रखिए और लक्षण सामने समझ आए तो सीधा डॉक्टर से संपर्क करिए। जी आज के लिए बस इतना ही,
अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।